ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। पता लगे कि कोई गैस लीक हुई हैगी है तो सानू फोन आया सीगा। असी इमीजिएटली एंबूलेंसेज उत्थे जाइया आ गई। एंबूलेंस के थ्रू बच्चे आ रहे हैं साडे SDH नंगल विच। सारे की कंडीशन बिल्कुल ठीक हैगी है। साडे डॉक्टर की टीम तनदेही नाल काम कर रही हैगी। ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं, IV फ्लूड दे रहे हैं। पर असी जो भी सिम्पटम के नाल बच्चों थोड़ी सांस की तकलीफ हुई सी वो असी बिल्कुल ऑक्सीजन लगा के फ्लूड लगा के उन्हें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सारे स्टेबल लगे, सारे कंट्रोल लगी स्थिति। उधर पंजाब दे सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस मुताबिक स्थिति कंट्रोल दे विच है, सब दी सेहत ठीक है ते गैस लीक बाबत जांच भी चल रही है। जानकारी मिलदे आई हरजोत बैंस मौके उत्ते खुद पहुंचे। सारे प्रशासन को हाई अलर्ट ते पा के जिन्नी डिस्ट्रिक्ट की एंबूलेंसिस जो भी प्रकॉशन असी वरत सकते उन्होंने वरत्या। इमीडिएटली मैं भी पहुंचा, पूरे स्कूल में वैकुलेट कराया। तो एज अ प्रकॉशन उस एरिए भी मेरी बेनती है लोगों के फिलहाल अगले कुछ घंटे लिए एवैकुलेट कर लिया जाए, क्योंकि हजे पता नहीं कि गैस है कितों आई है। जाँच के विषय है एक बच्चे एज अ प्रकॉशन PGI भेजा गया और इन्होंने भी लगातार उन्होंने इतों भी लोकल डॉक्टर भेजे गए हैं, लगातार गल गए हैं। एक बच्चा कॉन्शियस है, वो भी ठीक, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो कोई घबराने की लड़ नहीं, कोई पैनिक करने की लड़ नहीं। नंगल के जिन्हें भी स्कूल ने उन्होंने एज अ प्रकॉशन छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि बच्चों के उत्ते गैस का ज़्यादा असर हो सकता। दसे हो गया कि स्कूल दे नज़दीक दो वड्डियां उद्योगिक इकाइयां भी ने। मेरी वैसे कोई बेनती है कि कोई भी पैनिक ना क्रिएट करन, क्योंकि जो बच्चे होंगे पैनिक देखते ही और होर घबरा जाते हैं। तो अंदर भी असी प्रॉपर सारा सारिया के पैरामीटर्स चेक कर लिए गए, वाइटल्स वगैरह सारे फाइन है। तो बच्चों नाल भी मैं गलबात की है, डॉक्टर्स नाल भी की हैगी। वैसे मेरी सारियां एक ही रिक्वेस्ट हैगी कि आप पैनिक ना करिए। सैकेंड सिंस बच्चे है तो उन्होंने प्रिवेसी दईए, क्योंकि घबरा जाते हैं। गलती अगर पाई जाती है तो कार्रवाई तो बनूगी, पर सानू पहले फिगर आउट करन दो। पहला मोटिव है कि बच्चे कॉन्फिडेंट रहन, थोड़ा सेफ फील करन, पैनिक ना करन उन्होंने पेरेंट्स। ते सेकंड साड़ी सारी टीम बैक एंड ते अदरवाइज मोबिलाइज। नंगल तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।